और यहाँ पे आप देख सकते हो BSF एयर विंग। ये जो जहाज़ है ना, ये बाहर ही रखा हुआ है। इसके केवल जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो बाद में टूट फूट गया था, उसको एक तरीके से प्रॉपर बनाया गया और उसको इस म्यूज़ियम में रखा गया। तो ये पूरा वर्केबल था, ऐसी रखा नहीं है, स्टैचू नहीं है, फालतू का सामान नहीं है। यहाँ पे पूरा एक तरीके से आप देख सकते हो ऑपरेशन होता था इस वाले विमान से। तो ये विमान मैं आपको दिखाऊंगा बाहर। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यार आज जो वीडियो रहने वाली है म्यूज़ियम के ऊपर, और काफ़ी लोगों को बहुत देर से इंतज़ार भी था कि कब म्यूज़ियम की वीडियो आने वाली है और कब BSF की कोई नई वीडियो आने वाली है, क्योंकि हर कोई बोर हो चुका है यार सारी वीडियोज़ वगैरह देख के। तो अब जो वीडियो है वो है प्रॉपर म्यूज़ियम के ऊपर। तो आज मैं बनाऊँगा पूरी म्यूज़ियम को अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा, और पहले परमिशन लूँगा यार, अगर मेरे को परमिशन मिलता है अंदर वीडियो बनाने का तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा और एक एक चीज़ आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश करूंगा। बट डिटेल में दिखाने का मतलब ये है कि आपको भी डिटेल में देखना पड़ेगा, और प्रॉपर वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए पहाड़ी ब्लॉग्स पे। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं अपने घर के बाहर से, और ये देखिए अब तो नज़ारा कुछ अलग ही हो चुका है यहाँ का। ये प्रॉपर हम लोगों ने देखो मई जून में किस तरीके से ये पौधे लगा रखे हैं, और ये अभी भी जिंदा हैं। मेन बात यह है कि ये जिंदा हैं अभी भी, क्योंकि यार इनको प्रॉपर एक तरीके से इनकी रखवाली करनी पड़ती है, जिस तरीके से इंसान को प्रॉपर एक पानी चाहिए होता है उसी तरीके से पौधों को भी। तो दोस्तों फाइनली अब हम निकल रहे हैं अपने घर के आंगन से, और अब हम सीधा दिखाएंगे आपको सीन थोड़ा बहुत रोड का, और रोड के बाद उसके बाद दिखाऊँगा मैं आपको डायरेक्ट म्यूज़ियम, क्योंकि आज यार पूरी मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छे से ब्लॉगिंग दिखा दूँ म्यूज़ियम का, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना करूँ। तो जैसा कि आपको पता है ये है मेरा घर इस साइड, और उसके बाद हम निकलेंगे सीधा म्यूज़ियम की तरफ। ये हो गई हमारी स्कूटी रेडी, और फाइनली हम निकल चुके हैं म्यूज़ियम की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये वाला रोड देखा होगा, और नहीं देखा तो जल्दी से यार चेकआउट कर लीजिए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं सभी वीडियोस के। और ये है पूरा BTC का कैंपस। अभी हम स्कूटी से होते हुए जाएंगे म्यूज़ियम की तरफ। और इस साइड अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कैंटीन खुल गई। नहीं, कैंटीन खुल गया नया। यहाँ पे आपको आइसक्रीम वगैरह अवेलेबल हो जाएगा, दूध भी अवेलेबल हो जाएगा। और ये है टैक विंग, और ये जाता है काले ग्राउंड के लिए रास्ता पूरा, ये आपने वीडियो में देख रखा होगा। और उसके बाद आएगा आपका सीधा सेवा केंद्र। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ पे बाहर, और जैसा कि आप देख सकते हो ये इस साइड बना हुआ है बस स्टैंड, और इधर अगर इधर की बात करें तो ये है सर्वधर्म स्थल गुरुद्वारा साहिब। और इसके बाद आता है अपना झील, जहाँ पे अभी पूरा पानी भरा हुआ है। ये देखिए आप किस तरीके से ये पूरा डूबा हुआ है, और ये है पूरा झील। इस साइड का भी आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, फ़ोटो खिंचाने लायक एकदम सीनरी। और अगर इस साइड की वगैरह आप बात करोगे तो ये है पीर बाबा, और पीर बाबा के कुछ ही 200 या 100 मीटर बाद ही यहाँ पे म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम के जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे यार मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, एंड उसके बाद ही फिर मैं अंडर का जो भी सीन रहेगा वो दिखाऊँगा आपको।
बाहर से आपको दिखाऊं तो ये है पूरा म्यूजियम का सीन, और उसके बाद हम घुसेंगे यहाँ से अंदर। मेन हम गेट से एंटर करेंगे और ये रहा म्यूजियम का मेन गेट। मेन गेट ये रहा म्यूजियम का। और अब हम एंट्री कर चुके हैं, और अगर आप इस साइड देखोगे तो पूरा पार्किंग के लिए भी अंदर की तरफ आप यहाँ पे गाड़ी पार्क वगैरह कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, जो आपको फ़ोटोज़ वगैरह शूट करनी हो। प्यार दोस्तों, फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे म्यूज़ियम में, BSF अकेडमी टेकनपुर के, और मैं आपको पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा प्रॉपर जितना मेरे से हो पाएगा, और आप बने रहिए एंड तक। काफ़ी टाइम बाद सभी को इंतज़ार था कि मैं म्यूज़ियम का जो वीडियो बनाऊँ, और आप प्रॉपर एक लुक देख सकते हो इस साइड से किस तरीके से ये म्यूज़ियम को बनाया गया है। और अगर आप सामने का व्यू अगर आप देखोगे तो इधर कैनन रखे हुए हैं, और सामने अपने सिपाही, और इस साइड भी कैनन है, दोनों तरफ कैनन लगा रखे हैं। और इस साइड अगर आप देखोगे तो एक मैप तैयार कर रखा है, अब हम अंदर की तरफ एंट्री करेंगे। और हाँ, छूना तो वो ठीक है। फर्स्टली यहाँ पे एंट्री करते ही आपको दिखेगा भारत का मैप, और ये है प्यारा सा मगरमच्छ, और ये है हमारा प्यारा भारत, और हम रहते हैं इस जगह मध्य प्रदेश। अब हम एंट्री कर चुके हैं, और ये रहा सबसे पहले एंट्रेंस गेट, और इसके नीचे बने हुए हैं दो रूम्स, और दो रूम में सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इधर देखोगे तो ये है BSF का जो पहला रूम हम म्यूज़ियम के अंदर अगर हम एंट्री करते हैं तो, और इस साइड बने हुए हैं यार प्रॉपर तरीके से जितनी भी यहाँ पे हिस्टोरिक चीज़ें और जो हिस्टोरिक इमेजेस वगैरह मेमोरेबल जो यहाँ पे मेमोरेबल इमेजेस वगैरह रखे हुए हैं। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर लुक आए। इस टाइम पे मैं हूँ प्रॉपर BSF अकेडमी टेकनपुर के म्यूज़ियम के अंदर। अगर हम इस गेट के अंदर से, तो आप यहाँ से देखिए, और आप लोगों को पता है यार मैं ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सीमा सुरक्षा बल के कर्तव्य, ये आप इस साइड देख सकते हैं, इस साइड को ये देखिए, यहाँ पे जितने भी हिस्टोरिक इमेजेस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा प्रॉपर भारत का जो मैप बना हुआ है, हमारा प्यारा भारत, और इस साइड ये जितने भी चीफ्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस साइड ये बना हुआ है स्टैचू टाइप, और ये देखिए NTCD डॉग स्कूल। यहाँ पे अगर आप डॉग्स की देखोगे तो यार प्रॉपर ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ, खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी चीज़ को छूना मना है, बट यार हम वीडियोस और रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत इमेजेस वगैरह भी फ़ोटो शूट कर सकते हैं। और चीज़ें देखिए आप, कितनी खूबसूरती से यहाँ पे संभाला गया है, अपनी जो धरोहर है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पुरानी चीज़ें जितनी भी हैं, ये ही चीज़ें हैं जो मेमोरेबल एक तरीके से आप याद रखते हो, और इसी वे में मैं आपको सारे कमरे दिखा दूंगा। और पहला कमरा होता है हमारा फिनिश। अब मैं जाता हूँ दूसरे कमरे की ओर। ये फिनिश होने के बाद अगर हम बाहर का सीन दिखाऊँ तो फेंसिंग,
हॉल ऑफ फ्रंटियर्स। और अगर आप इस इधर को देखोगे तो ये भी पूरा, यहाँ पे आप देखिए ये पूरा हॉल ऑफ फ्रंटियर्स, मतलब यहाँ पे जो भी बॉर्डर्स वाले एरिया हैं, और देखिए जैसे यहाँ पे पंजाब हो गया, इस तरीके से डिफाइन किया गया है एक एक जगह को। यहाँ पे अगर आप देखोगे वाघा 1997 की ये पिक है और उस टाइम का जो सीन है, और इस साइड को अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर तरीके से, यार मतलब ये देखिए ये वाला परेड आपने देखा होगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूँगा, बट आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, और प्रॉपर तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि यार वीडियो लंबी हो रही है तो आप लोग एकदम छोड़ दो वीडियो को, आप मज़े तभी ले पाओगे जब आप देखोगे प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए, ये है एक तरीके से आप बोल सकते हो बॉर्डर का नक्शा, किस तरीके से बॉर्डर बना होता है। इस साइड हमारा इंडिया हो गया, ये फेंसिंग के इस साइड, और फेंसिंग के उस साइड अगर आप देखोगे तो ये हो गया पाकिस्तान वाला एरिया। तो ये रहा पूरा पूरा इस तरीके से दर्शाया गया, इस तरीके को बनाया गया है, इसको एक तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे बॉर्डर के एरियाज़ हैं उनको कैसे कवर किया गया है। ये हो गया हमारा जम्मू, जम्मू में क्या क्या जो ऑपरेशंस वगैरह चलते हैं सारा। और ये हो गया गुजरात, और बीच में यहाँ पे रखा हुआ है ये जितनी भी हमारी जल सेना जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन सेना है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। और ये देखिए आप किस तरीके से प्रॉपर ये नाव बोट वगैरह का यूज़ किया जाता है। और फिर हम थे गुजरात में, तो गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है राजस्थान। राजस्थान की भी काफ़ी भूमिका रहती है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि यार BSF ही एक ऐसा है जो बिल्कुल फ्रंट लाइन में डिफेंस, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है। अब हम चलते हैं ऊपर, अगर हम इस साइड भी देखें तो काफ़ी फोटोज़ वगैरह लगाई गई हैं। और ये वाला जो रूम है यार, ये बंद कर रखा है, मे बी ये वाला खुला होगा। तो इस साइड आप देखिए ये प्रॉपर एक मिसाइल वगैरह बना रखी हैं। पहले हम वो वाले हॉल में चलते हैं क्योंकि वो वाला खाली है। इस साइड आप देखिए किस तरीके से बना रखा है, ये है आर्म्स गैलरी। आर्म्स गैलरी में भी यहाँ पे आप देखोगे तो ये मिसाइल वगैरह बना रखी हैं। फिर जो हमारे जवान लोगों का जो ऑपरेशन करने का जो तरीका है वो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। फिर ये है मेन, यहाँ पे आप देखोगे आर्म्स गैलरी में, आर्म्स गैलरी में क्या है कि एक तरीके से पूरा ये देखिए आप कौन कौन से हथियार वगैरह यूज़ हुए हैं, किस तरीके से यूज़ हुए हैं, ये सारा कुछ आप देखोगे। ये मल्टी देखिए यहाँ पे बैरल लॉन्चर, उसके बाद अगर आप देखोगे तो पुराने जो हथियार हैं सारे, जो यहाँ पे आप देखिए ये गोलियाँ वगैरह हो गई, ये हथियार हो गए जितने भी। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये है पूरा गन्स, गन वगैरह देखिए आप, पुरानी गन्स हैं, पूरा इनके बारे में डिफाइन भी कर रखा है। एक बार आप आइए विज़िट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। कैंपस काफ़ी अच्छा खूबसूरत है, ओरिजिनल गन है यार, बहुत पुरानी चीज़ें हैं तो छूना मना है। मैं छूँगा नहीं, टच नहीं करूँगा, कोई भी रूल मैं तोड़ूंगा नहीं, बट ये है कि आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम की ये जो गन्स वगैरह हैं, ये देखिए ये केवल मूवी में देखने को मिलती हैं, बट यार ये मेरे सामने ओरिजिनल रखे हुए हैं, बस कांच के अंदर है, मैं इनको टच नहीं कर सकता। और मैं रिस्पेक्ट देता हूँ इन चीज़ों की कि मैं इनको टच नहीं करूँगा। स्मॉल साइज़ यहाँ पे देखें, मुज़ल लोडिंग गन, उसके बाद ये पूरा गन के बाद इधर देखिए आप GM मैग 7.62 mm, ये देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ये शो करने के लिए BSF के द्वारा बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को रखा गया है, अपनी जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए थोड़ा लाइटिंग का इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा इस साइड को आप देखिए, और ये देखिए कितनी लंबी बंदूक है यार, वहाँ से लेके एकदम यहाँ तक। ये देखिए ये तो लोहे की है यार प्रॉपर, बहुत भारी होगी। ये देखिए इस साइड भी, यहाँ पे आप अगर आप पिस्टॉल देखोगे तो ये घड़ी है, और ये पूरा आपका जो गन वगैरह हो गया,
ये देखिए, आप पढ़ भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज़ का। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा दूर। बहुत अच्छा लगता है जब लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि हमने ये चीज़ें आपके थ्रू देख ली हैं। अगर आप इधर की बात करोगे तो यहाँ भी बहुत सारी बंदूक्स वगैरह रखी हुई हैं, जितनी भी गन वगैरह हैं सारा का सारा यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए सारे, ये ओरिजिनल गन है, ये नकली नहीं है, यहाँ पे कोई खिलौने नहीं है, ये भी सारा ओरिजिनल है। और ये भी अगर आप इधर देखोगे तो ये भी कोई खिलौने नहीं है, ये सारे ओरिजिनल गन्स हैं, बट ये हिस्टोरिक हैं, इनको हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं। और ये एक रिस्पेक्टफुल बात है कि हम इनको ठेस ना पहुँचाएँ। जो चीज़ जैसी है उनको वैसा का वैसा ही रखा गया है। ये देखिए आप, और इस साइड भी अगर आप देखोगे तो इधर ये होता है सेल्फ प्रोटेक्शन एरोसोल डिवाइस, मतलब कि जैसे जो आरसू गैस वगैरह यूज़ किए जाते हैं उसके अलावा और भी चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं फोर्सेस द्वारा। और यहाँ से अगर आप नीचे देखोगे फिर से हमारा प्यारा भारत दिखेगा आपको। और ये है हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम की अगर मैं बात करूँ तो इधर इस साइड से देखिए आप, ये आपने वीडियो में देखी होगी मेरे किस तरीके से ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के साथ ये ट्रेनिंग की जाती है यहाँ पे। और इस साइड ये रखा हुआ है पूरा, जितना भी अगर आप देखोगे तो इमेजेस वगैरह पुरानी। ये देखे, आवाज़ दो, हम एक हैं, हम एक हैं, किस तरीके से ये पहाड़ी कल्चर, ये देखिए आप। और अगर इस साइड की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए आप, जम्मू एवं कश्मीर प्रांत के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र का एक दृश्य, ये जम्मू एंड कश्मीर को दिखाया गया है यहाँ पे, किस तरीके से हमारे जो जवान लोग हैं वो ऐसे इलाकों में भी रह के अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं और अपनी ड्यूटी को एकदम मन लगन से किस तरीके से हमारी रक्षा करते हैं। और ये देखिए सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ जो BSF में होती हैं वो दिखाया गया है। ये थर्ड वॉल है, यहाँ पे देखिए आप, ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य की ओर अग्रसर, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है BSF के लिए। और एट दी एंड अगर आपको मैं इस हॉल का दिखा दूँ तो ये है हमारे जो BSF के जवान, कहीं भी हो, रेत में हो, जल में हो, थल में हो, कहीं भी हो, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हमारे जवान ना हो। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट रूम की तरफ। और अब है हमारा नेक्स्ट रूम जिसको नाम दिया गया है हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बाहर यहाँ पे ये मिसाइल्स वगैरह रखे हुए हैं, रेंज 8 किलोमीटर। ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे। और अब मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ, तो एंटर करते ही सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है ये। यहाँ से गया आपका अपलिंक GHZ, उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलिंक GHZ, रिसीवर हो गया, एक तरीके से हब बन रखा है ये अलग अलग तरीके से। ये किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जाता है ये देखिए, बहुत ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन रहता है, हर चीज़ को डिटेल में नहीं बताई जा सकती है। आप यहाँ पे देखिए, खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, हर चीज़ को आप फील कीजिए और तभी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में पता चल पाएंगी, क्योंकि यार वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप साउथ बंगाल, जो हमारा बंगाल है, तो इस साइड यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह कुछ शेयर कर रखी हैं और यहाँ पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है बंगाल के बारे में। उसके बाद आप नॉर्थ बंगाल की तरफ जाओगे तो यहाँ पे नॉर्थ बंगाल का ही हूँ मैं अभी। मैं अगर आप बात करोगे तो मैं मिडिल इंडिया में हूँ, जिसको मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, बट यहाँ पे सभी जितनी भी हमारे स्टेट्स हैं सभी के बारे में डिटेल्ड में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और मेघालय यहाँ पे देखिए आप, किस तरीके से ये ऑपरेशंस वगैरह चलाई जाती हैं। और यहाँ भी अगर आप देखोगे ये त्रिपुरा वाला
त्रिपुरा स्टेट में आ चुका हूँ मैं। त्रिपुरा स्टेट की बात करें तो इधर देखिए आप पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हो आराम आराम से। ये आ गया है मिज़ोरम, मिज़ोरम एंड कछार। आइए और देखिए खूबसूरती ये सब एकेडमी टेकनपुर की। और ये जितने भी कैनन वगैरह मैंने बाहर दिखाए आपको, ये ओरिजिनल कैनन है, ये सारे यूज़ हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका भी कुर्बानी है, कहीं ना कहीं इनका भी यूज़ हुआ है। अगर आप दिखोगे यहाँ पे, ये देखिए आप खूबसूरती से, ये देखिए। तो ये था यार हमारा आखिरी रूम जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कम्युनिकेशन करने के कुछ जरिए थे जिसको हम यहाँ पे यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कुछ संदेश पहुँचाने के लिए, या बॉर्डर्स के इलाके पे आप बोल सकते हो। और देखिए पहले के ज़माने में किस तरीके के जो मशीन वगैरह हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े, अब तो नॉर्मल एक चिप आती है। और इस साइड भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए बता रखा है, इस चीज़ को डिफाइन कर रखा है। और ये देखिए लेंसेज वगैरह, किसी भी चीज़ को दूरबीन से दूर की चीज़ों को देखने के लिए। इसको यहाँ पे देखिए नाइट सर्विलेंस इसका नाम रखा गया है। ये देखिए एक तरीके से बताया गया है। और अगर आप ऊपर की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे छोटा इक्विपमेंट है बट बहुत काम की चीज़ है। बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ये टॉर्चेज वगैरह हर चीज़ का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिटेल्ड में आपको देखने को मिल जाएगा, हर चीज़ के बारे में बता रखा है, उसके बारे में लिख रखा है। यहाँ अगर आप बात करोगे तो इस साइड देखिए छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं जिनको हम नॉर्मली खिलौने समझते हैं बट खिलौने नहीं हैं। ये देखिए रेडियो एक्टिव चीज़ें। तो ये था पूरा इस वीडियो का, अगर आप देखिए मैं ना आपको पूरा म्यूज़ियम में घुमा चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी अगर आप इस साइड की बात करें, इधर ये वाला रूम बंद है और इधर कुछ लिखा हुआ है, एक सीमा प्रहरी की प्रतिज्ञा, मैं सीमा प्रहरी के सशस्त्रों का अपमान नहीं होने दूंगा, मैं अपने उन साथियों को नहीं छोड़ूंगा जो अकेले अथवा समूह में मेरे साथ हों, मैं देश की पवित्र संपत्ति जाने वाली प्रत्येक वस्तु की सुरक्षा करूंगा। तो दिस इज़ द प्लेज ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो फाइनली दोस्तों मैं आपको चारों के चारों जो रूम्स थे और जो हॉल्स थे वो दिखा चुका हूँ, जितने भी हॉल्स वगैरह हैं। और किसी भी चीज़ को यार हम छू नहीं सकते क्योंकि ये हमारी जो इंडिया की आप बोल सकते हो प्राउड चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा यूज़ेबल चीज़ें हैं जो वार में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हुआ है। तो हम इन चीज़ों को एज इट इज़ रखने की कोशिश करें, यही हमारा प्रयत्न रहे हमेशा, और हम इनकी रिस्पेक्ट करें। अब मैं आपको बाहर से एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा पूरा सीन, और चलता हूँ मैं नीचे की तरफ। सो फाइनली अब हम चलते हैं एंट्री का जो ये गेट है यहाँ से बाहर, और पूरा म्यूज़ियम मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और ये है हमारा प्यारा सा म्यूज़ियम बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर का, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने एंट्री किया था। और ये है हमारा पूरा जो प्यारा सा म्यूज़ियम। और इस साइड अगर आप देखोगे तो इसको किस तरीके से डेकोरेट किया जाता है, किस तरीके से इसकी रखवाली की जाती है, इसको बना के रखा जाता है। ये जो हरियाली है ये ऐसी हरियाली नहीं होती ना, क्योंकि आजकल गर्मी उतना है कि यार आदमी सूख जाता है, तो इंसान सूख जाता है। तो ये देखिए ना आप, ये घास वगैरह जितना भी ग्रीनरी है एक तरीके से मेंटेन करना पूरे हमारे जो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान वगैरह हैं उनके थ्रू यहाँ पे कितना खूबसूरत इसको डेकोरेट करके रखा हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको जो मैंने जो हवाई जहाज था वो अंदर की तरफ दिखाया था, हमारा जो बीएसएफ का एयर इंडिया, अगर आप देखोगे तो अब मैं आपको उसके अंदर ले जा के दिखाता हूँ एक बार जो पूरा प्रॉपर सीन है। तो इस साइड अगर आप देखोगे तो ये पूरा
साइड से इसकी पूरी एंट्री बना रखी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी इसके विंग्स वगैरह हैं, और काफ़ी बड़ा है यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये जो हवाई जहाज़ है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, उस टाइम पे ये एक्टिव था, ऑपरेशनल था, बट अब इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि म्यूजियम के तौर पे हिस्टोरिक जो हमारी चीज़ है उसके रोवर के रूप में यहाँ पे इसको संभाल के रखा गया है। अगर आप इधर देखिए आप, और यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे ये जो एक तरीके से इसकी जो कैपेसिटी है वो पूरा यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे पैसेंजर वेट, ये फ्लाइट वेट हो गया, एम्प्टी वेट हो गया, और इस तरीके से इसका मतलब जो एक एम्प्टी वेट है वो केवल 16,916 LBS का है, इक्वल टू 7,673 kg। और ये देखिए आप प्रॉपर तरीके से जो इसके विंग्स वगैरह हैं, और अभी ये बंद कर रखा है क्योंकि यार म्यूजियम का भी टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हमें अंदर ही लग चुका है इससे पहले, और ये एक तरीके से अभी बंद है। इसके बाद, इसके पहले हम अंदर भी जाते थे, बट अभी इस टाइम पे इसको थोड़ा बंद करके रखा हुआ है क्योंकि टाइम हो चुका है यार 6:30 के बाद। अभी हम इसके अंदर अभी वैसे भी एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ऑल टाइम पे इसको खोल के नहीं रख सकते हम लोग। बाकी अगर अब मैं आपको और अगल बगल की चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पे कैनन्स वगैरह भी रखे गए हैं, मोर्टार वगैरह रखे गए हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड वार के टाइम पे हो गया, या और भी जो भी हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू यहाँ पे यूज़ की गई थी जिस टाइम पे हमारे, क्योंकि जो BSF का जितना भी हमारा मेन डिफेंस सिस्टम हो गया या जितने भी हमारे जो ऑपरेशनल सिस्टम वगैरह हो गए, वो सारे के सारे यहाँ पे रखे गए हैं। और एक बार मैं आपको पूरा प्रॉपर व्यू दिखा देता हूँ पीछे से, और ये इस साइड का व्यू। फैंस वगैरह हो गए, ये रोटेटरी फैंस वगैरह हो गए यार, बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब इसको हिलाने से मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ये थोड़ा बहुत ही हिलते हैं इस तरीके से। अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत इनमें मूवमेंट है, ऐसा नहीं है ये बिल्कुल ही जाम हो चुके हैं, इनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट है। अगर मैं आपको फ्रंट की बात करूँ और अगर मैं इसकी जो फ्रंट व्यू की अगर बात करूं, फ्रंट से दिखाने की कोशिश करूं, तो ये देखिए आप पूरा प्रॉपर किस तरीके से ये आज भी एज इट इज़ रखा गया है। समय समय पे इसकी जो डेंटिंग पेंटिंग और जो इसका मेंटेनेंस वगैरह है वो होता रहता है, क्योंकि यार मेंटेनेंस करना हर किसी चीज़ को बहुत ज़रूरी है अगर उस चीज़ को एज इट इज़ रखना हो तो। नहीं तो आज तक अगर ये सब के थ्रू अगर ये चीज़ अगर मेंटेन नहीं की जाती तो आज के दिन इसमें जंक लग के ये नीचे ये बिल्कुल ज़मीन पर होता, तो इसलिए इसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी होता रहता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर ये देखिए, अगर आप इसकी बात करें तो ये भी एक तरीके का, जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये यूज़ होते थे जिस टाइम पे जैसे वार वगैरह हो गए, या कोई भी अगर आप बोल सकते हो कि दुश्मन के थ्रू अगर अटैक वगैरह हो गए, तो अभी ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, बट ये अप एंड डाउन आपको इसको मूवमेंट कर सकते हो, आगे पीछे भी इसको मूवमेंट कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अगर आप ये देखिए साइड से अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर तरीके से एक बोल सकते हो आप डिफेंस इक्विपमेंट, इसको इसका अगर आपको नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मुझे इसका नाम वैसे पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वॉर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले इक्विपमेंट वगैरह हैं, जिसमें हमारे जो सैनिक हैं, जितने भी हमारे सोल्जर्स वगैरह हैं, वो अंदर बैठ के और जितने भी हमारे जो सामने वाले जो दुश्मन वगैरह हो गए उन पर अटैक करते थे, उनको टारगेट करते थे। और इस साइड देखिए यार, यहाँ से कितना प्यारा व्यू आएगा इधर, ये सब अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत ही ज़्यादा, आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ही ज़्यादा इसका जो एनवायरनमेंट जो यहाँ पे रखा गया है बहुत खूबसूरत है। सारे हमारे डिफेंस सिस्टम है,
और इस साइड अगर आप देखोगे तो ये यार इतना पुराना हो चुका है कि इसके टायर देखिए पूरी रबड़ है, जो वो रिम पे आ चुकी है, बिल्कुल प्रॉपर नीचे बैठ चुका है, बहुत ज़्यादा पुराना है यार इसका। ये आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे इसमें नया टायर वो यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यार ये पुराना है और उस टाइम का यूज़ हो रखा है, बहुत ज़्यादा पुराना है आप बोल सकते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से इसमें गैजेट्स वगैरह जिसमें भी, और इसके अंदर जो हमारे सोल्जर्स वगैरह हुआ करते थे वो इसके अंदर घुस के, और काफ़ी आपने गेम जो प्लेटफॉर्म वगैरह हो गए यार उसमें भी आपने देख रखा होगा, उसमें भी आप अगर देखोगे तो पूरा ऊपर इसके अंदर घुस के और एक टारगेट किया जाता था कि दुश्मनों के ऊपर, तो ऐसी ये भी एक सिस्टम है और बहुत ज़्यादा हैवी है यार। इसका मेन मकसद ये है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो दुश्मन को अच्छे तरीके से टारगेट कर पाएँ और पूरा ऊपर एक सिक्योरिटी के साथ। और फिर ये आती है हमारी बारी कैनन की, ये है कैनन। प्रॉपर कैनन है इसको, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये पूरा जो इसके लीवर वगैरह बने रखे हैं यहाँ पे, आप इसका यूज़ करके टारगेट को हिट कर सकते हैं और जितना भी टारगेट वगैरह उसको फोकस करके और प्रॉपर तरीके से आप एकदम सटीक निशाना लगा के दुश्मन के जो बोल सकते हो कि पसीने छुड़ा सकते। और अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए गुब्बारे का यूज़ किया गया है, यहाँ तक पानी आ रहा है जिसका कि, और ये पानी का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि यार इसकी जो ग्रीनरी है ना, जो इसकी ग्रीनरी है वो पूरा यूज़ हो सके। और ये देखिए यार कितना शानदार यहाँ पे ये स्टार का लुक दे रखा है, एक प्रॉपर तरीके से स्टार बना रखा है। और अब मैं चलता हूँ आपको यार बड़े कैनन की तरफ। मैं बड़े कैनन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए आप, पहले यार हम लोग ना जब कॉलेज या स्कूल में हुआ करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि इसको अप एंड डाउन कर देते थे, अगल बगल पूरा सेट कर देते थे, तो काफ़ी जब टाइम बाद हमें जो हमारे यहाँ पे जो फोर्स में लगे हुए हैं जो अंकल लोग यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं, तो बोलते थे कि यार इसको ज़्यादा मूवमेंट वगैरह मत करो। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये इसको एक तरीके का मूवमेंट दिया जाता है, अगर आप देखोगे तो ये अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन मोशन में और लेफ्ट एंड राइट आप इसको मूव कर सकते हो एक ही जगह पे खड़े होकर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है दुश्मन को टारगेट हिट करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर एक तरीके का फोकस बना रखा है, ये देखिए यहाँ से आप टारगेट हिट कर सकते हो अपने दुश्मनों पे और एकदम सटीक निशाना। और वैसे भी आप जानते हो यार इंडियन जो हमारी फोर्सेज हैं वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फोर्स है, इंडियन आर्मी हो गया, BSF हो गया, एयरफोर्स हो गया, या चाहे नेवी हो गया, इंडिया की सबसे बेस्ट फोर्सेज हमारे पास है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फोर्सेज। और उस साइड की अगर मैं आपको बात करूँगा तो देखिए यार म्यूज़ियम भी बंद हो चुका है, अगर आपको जूम करके एक बार दिखा दूँगा तो म्यूज़ियम मैं बहुत टाइम पर आ गया था, लकली हो आप लोग, बहुत लकीली कि आप लोगों ने ये देख चुके हो आप पूरा। और इस साइड अगर आप देखते तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कैनन वगैरह जो छोटे कैनन हो गए, बड़े कैनन हो गए, ये बड़े रेंज के कैनन होंगे, ये छोटे रेंज के कैनन हैं। और उसके बाद वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फिर हम करेंगे इस वीडियो का यहीं एंड। फाइनली मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए यार आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा वीडियो हो सके BSF अकेडमी टेकनपुर की मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। और ये बहुत ज़्यादा यूनिक वीडियो थी आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो भी थी कि प्लीज़ यार म्यूज़ियम की वीडियो वगैरह बनाएं, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये है हमारा पूरा BSF अकेडमी टेकनपुर का जो प्रॉपर एक तरीके से आप बोल सकते हो म्यूज़ियम, तो यार ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे साथ पहाड़ी ब्लॉग्स पे,
और आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।